वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आ चुका है। हाई स्कूल का रिजल्ट इस साल 77.47% रहा और बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 71.12% रहा और बालिकाओं ने बालकों से करीब 14% ज़्यादा यानी 84.06% सफलता हासिल की है। आपको बताएं कि टिहरी गढ़वाल के सुभाष इंटर कॉलेज थौलधार के छात्र मुकुल सिलसवाल ने हाई स्कूल में टॉप किया है। मुकुल ने 99.00% अंक पाए हैं और उत्तरकाशी के आयुष अवस्थी और टिहरी के आयुष जुयाल ने हाई स्कूल में 98.60% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और बागेश्वर के मंडल सेरा की छात्रा रबीना कोरंगा ने हाई स्कूल में उत्तराखंड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और रबीना ने आपको बताया कि 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं। रबीना का प्रतिशत 98.40% रहा है। इंटरमीडिएट में हरिद्वार की दिया राजपूत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को बधाई भी दी है। सर मुझे इतनी खुशी है ना, मैं तो छलू छल कर नाचू, मेरा इतना मन कर रहा। मुझे इतनी खुशी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने कहा घर में चिंता हो रही थी, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घर वाले क्या बोलेंगे, कैसा होगा, और लोग ताने भी देंगे कि तुम इतनी बड़ी क्लास में हो के। फिर शर्म भी आई तो मैं सर इतना पास रिजल्ट और क्या, कितने नंबर आए सर? मुझे नंबर में अभी आए तो मुझे मैम ने नंबर तो मैम ने कहा सेकेंड डिवीज़न आ रखा, मैं पास हो रखी हूँ अच्छे नंबरों से। सर मुझे बहुत उम्मीदें थी, लगता था कि शायद फर्स्ट आ जाएंगे बट सेकंड ही आ पाए हैं। बहुत से बच्चे सेकंड ही आए हैं। लगा अभी कोविड के बाद बहुत लंबा समय हुआ था बीच में, फिर पढ़ाई भी नहीं रही। हाँ जी, तो लगता है कि चलो पास हो गए, सेकंड डिवीजन आए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, क्या कहना है? वैसे जिस हिसाब से कोविड लगा था उस हिसाब से अच्छे नंबर आ गए, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे सेकंड डिवीज़न से ही पास हुए हैं। मैं कहूँ सच में तो मुझे तो इतनी खुशी भी नहीं हो रही, क्योंकि मैं जितना मैंने सोचा था उतने मार्क्स नहीं आए मेरे, तो मतलब ठीक था, पास हो गए सेकंड डिवीज़न से, बस मुझे यही थोड़ी खुशी है। क्या वजह मानते हैं क्यों? सर थोड़ी प्रॉब्लम घर में थी, इस वजह से पढ़ाई में थोड़ी कमी रह गई मेरी। सभी बच्चों को सरकार की ओर से बधाई दे रहा हूँ कि जिन्होंने कि कोविड के बाद में अपनी पढ़ाई की है, परीक्षाएं भी है और बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार उत्तराखंड सरकार कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई हैं, इसमें हाई स्कूल में टोटल जो परीक्षा फल रहा है हमारा वो 77.47 रहा है। इसमें छात्रों का जो है 71.12 रहा परसेंट और छात्राओं का जो है 84.06 रहा है। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अभी तक हरीश रावत हार पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन चुप्पी तोड़ते हुए हार पर हरीश रावत ने ये कहा है कि चंपावत चुनाव का परिणाम पहले से ही तय था, मगर जिस तरह से मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरी सरकार में मची हुई थी उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है। हरीश रावत ने हार के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया और ये भी कहा कि हार की जिम्मेदारी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। हरीश रावत ने इस दौरान आगे ये भी कहा कि चंपावत उपचुनाव में मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया, जिस तरह के समाचार आए वो राज्य के लिए चिंता का विषय है। हरीश रावत ने आगे ये भी कहा कि वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद करेंगे। साथ ही उन्होंने उत्तरकाशी में हुई बस दुर्घटना पर भी दुख जताया है। मैं उन लोगों ने जिन्होंने बहुत तत्परता से वहाँ बचाव कार्य पे लगे और सबों को निकाला, रात भर 6 बजे तक सब निकाल लिए थे सब, और बल्कि 8 बजे तक तो जॉली ग्रांड में उनका पोस्टमार्टम भी करवा दिया। ये जिन लोगों ने तत्परता दिखाई वो तो साबसी के बात हैं, मगर कहीं कहीं हमको गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि इस तरीके की
दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कैसे नियंत्रित रखा जाए, क्योंकि एक समाचार ये भी है कि जो बस थी वो एक ही दिन में 3 फेरे लगा चुकी थी, कुछ इस तरीके की घटनाएं सामने आई। और वही दूसरी ओर हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ये कहा है कि कानपुर हिंसा सोची समझी साजिश है। कानपुर हिंसा के बाद यूपी सरकार पूरे एक्शन मोड पर है और योगी सरकार दंगाइयों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। निरंजन ज्योति ने आगे ये भी कहा कि यूपी में 2017 से 2022 तक कोई भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन कानपुर दंगा सोची समझी साजिश है। वही ज्ञानवापी विवाद के मामले पर साध्वी निरंजन ज्योति ने ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य जग हाजिर हो गए हैं और अब कोर्ट सबूतों के आधार पर इसमें फैसला देगा। वेदन है जब सबूत वहां मिल चुके हैं, नंदी भगवान सीधे भगवान शंकर की तरफ यानी ज्ञानवापी की तरफ मुंह किए बैठे हैं और जब वहां जांच हुई है उसमें त्रिशूल कहीं दुर्गा जी के खंभों में कहीं शंख कहीं चक्र कहीं स्वस्तिक मिले हैं, तो ये प्रतीक है कि वहां हिंदू मंदिर था। और ये सबको मालूम है कि काशी मथुरा अयोध्या तीनों जगह मस्जिद तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी। हमें कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में निशुल्क मिलने वाले पुस्तकों के समय पर ना मिलने को शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने गंभीर माना है, जिसको लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग के करीब 600 अधिकारियों के साथ खुद का भी वेतन तब तक रोकने का फैसला कर लिया है जब तक 100% छात्रों को पुस्तकें निःशुल्क तौर पर उपलब्ध नहीं होती हैं। तब तक शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी वेतन नहीं लेंगे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का यह भी कहना है कि छात्रों को समय पर पुस्तक ना एक गंभीर मसला है, जिसके चलते उन्होंने खुद के साथ साथ अधिकारियों का वेतन रोकने का भी फैसला कर लिया है और अब अधिकारी घर घर जाकर छात्रों को पुस्तक बांटेंगे। देखिए, हम लोगों का लक्ष्य ये था कि जैसे हमारा नया सत्र शुरू होता है उसके पहले हम सारे बच्चों को किताबें दे दें ताकि जो हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है उसमें घर में उसकी पढ़ाई कर सके। तो उसके तहत हम लोगों ने पहले ही इसकी जो प्रिंटिंग का कार्य था पूरा कर लिया था और जिलों जिलों में भेज दिया था। हमारी 1-8 जो हैं वो सबको हमने बांट दिया है। जो कुछ जनपदों में एनरोलमेंट बढ़े हैं, हमारे ऊधम सिंह नगर में भी बढ़ा है, हरिद्वार में भी बढ़ा है, अन्य जिलों में बढ़े हैं, तो जो नए बढ़े हैं तो वो छूटे हुए हैं, तो जो कुछ अतिरिक्त किताबें हैं उनसे उनको देंगे। एक बात। दूसरी बात कि हमारा जो प्रवेश प्रक्रिया है ये सितंबर तक चलती है, तो आगे भी एडमिशन होंगे, तो वो भी मैंने कहा कि उसको भी आकलन करें, जैसे जितना बढ़ते हैं तो उसकी हम पहले से एक अनुमान लगा के पब्लिश करा लें, किताबें प्रिंट करा लें ताकि उनको भी सहसमय उपलब्ध हो जाए। और इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बताएं, मनीष गली में गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। सराय रोहिला इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। हालांकि इस हादसे में इस आग के चलते किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। आपको बताएं कि मनीष गली में गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से धू धू कर जलती नजर आ रही है फैक्ट्री। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। 5 मंजिला इमारत में आग लगी है। हालांकि इस पूरे हादसे में आग में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। नुकसान काफी हुआ है। सराय रोहिला इलाके का ये पूरा मामला है। मनीष गली में गत्ते की फैक्ट्री में ये आग लगी है। 5 मंजिला इमारत में आग लगी है। 5 मंजिला इमारत में भीषण आग की तस्वीरें भी आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर फिलहाल तो नहीं है और मौके पर 10 दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो पहुंची हुई हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहाँ पर मनीष गली में अचानक गत्ते की फैक्ट्री में आग लगी है। सराय रोहिला इलाके का ये पूरा मामला है। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिश में हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग बुझाने की मशक्कत में जुटी हुई हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर फिलहाल नहीं है। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर में खाद्य सुरक्षा और अंत्योदय राशन कार्ड जमा करने का सिलसिला लगातार जारी है। राशन कार्ड जमा करने के लिए पूर्ति विभाग कार्यालय के लोग
पहुंच रही हैं। और वहीं विभाग की माने तो क्षेत्र में अभी भी हजारों की संख्या में मानकों के विपरीत बने खाद्य सुरक्षा अंत्योदय कार्ड लोगों के पास मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चले कि अपात्रों को ना पात्रों को हाँ मुहिम के तहत राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि अपात्र लोगों के पास राशन कार्ड है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ इस तरह के लोगों को पहले 31 मई तक अपने राशन कार्ड जमा करवाने की छूट दी गई थी जिसे अब बढ़ाकर 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपूर्ति अधिकारी हरीश चंद्र ने यह कहा है कि विकासखंड गदरपुर में अब तक 885 सफेद कार्ड और 9 लाल कार्ड लोगों ने जमा कर दिए हैं। बीमारी से असाध्य रोगों की जैसी बीमारियों से ग्रसित है तो उन लोगों को यह राशन कार्ड लाल रंग का राशन कार्ड दिया जाता है और सफ़ेद राशन कार्ड में भी पात्रता की जो सीमाएं हैं वो भी इसी से मिलती जुलती हैं कि 15,000 से अधिक अगर जिस परिवार की इनकम है तो वो इसके दायरे में नहीं आता। 15,000 से कम जो परिवार इनकम करता है वही इसमें आता है। इसमें अधिकतर जो है विधवा महिलाएं, विकलांग हैं या फिर असाध्य रोगों से पीड़ित जो परिवार है उनके लोग हैं और ऐसी कोई महिलाएं जो विधवा आश्रम में रहती हैं या वृद्धावस्था आश्रम में रहती हैं या कुष्ठ आश्रम में रहते हैं उन लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर इस प्रकार के कार्ड बनाए जाने के निर्देश थे। वहीं पौड़ी जिले में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना के विकास कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और इसी दौरान बैठक में जिलाधिकारी एक बार फिर से अधिकारियों से नाराज दिखाई दिए जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। आपको बताते चले कि इससे पहले भी बैठकों में जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे सभी अधिकारियों को हिदायत दे चुके हैं कि अधिकारी अपने विभाग की पूर्ण जानकारी और पूर्ण दस्तावेज के साथ बैठकों में प्रतिभाग करें। बैठक में सहायक कृषि अधिकारी ओम प्रकाश साहू और उरेडा अधिकारी शिव सिंह मेहरा को बैठक में सही जानकारी नहीं देने के चलते जमकर फटकार भी लगाई गई और 24 घंटे के अंदर ही सही रिपोर्ट देने का आदेश भी जारी किया गया। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए कि आने वाली बैठकों में पूरी जानकारी और पूरे दस्तावेजों के साथ ही बैठक में प्रतिभाग करें। और उरेडा विभाग के अधिकारी जो है अपूर्ण सूचना के साथ पहुँचे थे और उनके द्वारा अपनी गति विभागीय योजनाओं की सही जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं उनके खिलाफ अभी शोकॉज जारी कर रहा हूं और सभी विभागीय अधिकारी से अपेक्षा ये कर रहा हूं कि वो अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी पूर्ण अपने पास रखें। एक डेटा डायरी होती है जो विभागीय अधिकारी हमेशा अपने पास रखते हैं, उसमें सारी सूचना को एकत्रित करके रखना चाहिए उनको और जब भी आवश्यकता होती है अद्यावत सूचना अपडेटेड सूचना उनको देना चाहिए था जो मुझे आज कुछ विभागों से प्राप्त नहीं हो सकी है। मैं उनको सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि आगामी बैठकों में इस तरीके से अगर वो आते हैं तो उनका खिलाफ में कार्रवाई करूंगा। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। भारत सरकार के संयुक्त सचिव उपेंद्र कुमार जोशी अल्मोड़ा पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने कोसी नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिला प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का जायजा भी लिया। साथ ही साथ अमृत सरोवर और जल शक्ति के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिले में अमृत सरोवर और जल शक्ति के माध्यम से चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जल संवर्धन के लिए जो भी आवश्यकताएं या फिर जरूरतें होंगी उसका ड्राफ्ट तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। आपको ये बताते चले कि आने वाले 2 दिन तक संयुक्त सचिव जिले के विभिन्न विकास खंडों में जाकर जल शक्ति और अमृत सरोवर की योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करेंगे। जल शक्ति अभियान पूरे देश में चलाया गया है जिसका की बेसिक पर्पज है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए और एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का कि बारिश का जो पानी होता है हम उसको कैप्चर कर लें। तो हमारा जो अभी प्रेजेंट जो ये भ्रमण यहाँ हो रहा है हम देखने के लिए आए हैं कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस किस तरह के काम प्लान किए गए हैं जैसे कि बारिश आने वाली है तो उसमें कितना पानी हम स्टोर कर पाएंगे, कितना कंजर्व कर पाएंगे। आज हमारा रिव्यू होगा डिस्ट्रिक्ट के साथ, फिर हम लोग कुछ साइट्स का विजिट भी करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट बना के भी सबमिट करेंगे जिससे कि इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो सके।
और वहीं नगर पालिका परिषद गोपेश्वर में अध्यक्ष पद के लिए 12 जून को होने वाले निर्वाचन चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बताते चले कि अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी पुष्पा पासवान, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र लाल भारती और निर्दलीय प्रत्याशी सोहन लाल ने नामांकन दाखिल किया है। निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी आवंटित की गई है। नगर पालिका परिषद गोपेश्वर में 12,903 मतदाता नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जिनमें से 6,580 पुरुष और 6,323 महिलाएं मतदाता शामिल हैं। नगर क्षेत्र के सभी 18 मतदेय स्थलों पर निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए रिजर्व समेत 80 कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मियों को 6 और 11 जून को निर्वाचन प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतदान हरे रंग के बैलेट पेपर पर ही होगा। आगामी 14 जून को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में मतगणना संपन्न होने के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। देखिए, इसमें हमारी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। इसमें लोगों की जो हमारे अधिकारीगण हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं, ट्रेनिंग का हमारा शेड्यूल बन गया है और होपफुली हम लोग की तैयारियां तो हैं ही, एंड होपफुली गॉड विलिंग जो हमारा 12 तारीख को मतदान है वो स्मूथली और एक रूल बाउंड मैनर में करवाया जाए। थराली में विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर नारायण बगड़ के दूरस्थ गांव सणकोट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी दौरान पर्यावरणविद और मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने पर्यावरण समेत अन्य सामाजिक क्षेत्रों में योगदान देने वाले 10 लोगों को मैती सम्मान से नवाजा। और ये सम्मान समारोह नारायण बगड़ के इस दूरस्थ गांव में इसलिए आयोजित किया गया ताकि इस गांव के एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी को लोग जान सकें जिसने कटीली झाड़ियों से फैले क्षेत्र को पिछले 40 सालों में मेहनत और अपने प्रकृति के प्रति अथाह प्रेम से सुंदर से वन का रूप दिया है। और सोनप्रयाग से 7,350 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ है। वहीं रविवार को 11,058 पुरुषों, 7,910 महिलाओं और 47 नौनिहालों समेत 19,455 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। आपको ये भी जानकारी दें कि अभी तक 5,25,862 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि जून महीना शुरू होते ही तीर्थयात्रियों के आवागमन में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 20 जून तक केदारनाथ यात्रा चरम पर रहेगी। जोशीमठ में माणा गांव में इन दिनों काफी रौनक देखने को मिल रही है। दरअसल कोरोना के 2 साल बाद फिर से पर्यटन पटरी पर लौटने लगा है और यही वजह है कि माणा गांव में यात्रियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है और इससे गांव के छोटे व्यापारियों और कारोबारियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और उनको लाभ भी हो रहा है। यहाँ के लोग यात्रियों को अपना उत्पाद बेचकर अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। यात्रियों में भी ऊनी कपड़े, रिंगाल के उत्पाद और दूसरी चीजों को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बताते चले कि माणा गांव भारत चीन सीमा का अंतिम गांव है। मॉनसून को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल मॉनसून सीजन के दौरान आने वाली आपदा से निपटने के लिए जहां एक तरफ जिले में एनडीआरएफ की तैनाती की जा चुकी है तो वहीं दूसरी ओर शासन से जिले को नए वाहन भी मिले हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बताएं कि प्रशासन ने सरकार से मॉनसून सीजन के लिए एक हेलीकॉप्टर की भी मांग की है और ऐसा माना जा रहा है कि जून महीने के अंत तक उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक दे सकता है। अब ऐसे में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के लिए मॉनसून सीजन एक तरह से आपदा का सीजन भी होता है क्योंकि मॉनसून के दौरान पिथौरागढ़ जिले में अनेक आपदा की घटनाएं घटित होती हैं। अब ऐसे में आने वाले मॉनसून को देखते हुए पिथौरागढ़ जिले में एनडीआरएफ की एक यूनिट तैनात भी कर दी गई है जिससे सोमवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
मॉनसून काल के लिए जो हमारा चॉपर यहाँ तैनात होता है धारचूला में, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी 2 से 3 बार हो चुकी है और उसके साथ ही हम लोगों ने जो बात की है उसमें टेंडर प्रोसीजर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉनसून सीजन स्टार्ट होने से पहले हमें चॉपर मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ मसूरी हाथीपाव मार्ग लंबी धार के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मसूरी पुलिस, एसडीआरएस और फायर सर्विस के जवानों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 100 मीटर गहरी खाई से युवती को बाहर निकाला गया और मसूरी के उप जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि युवक और युवती दिल्ली के रहने वाले हैं और मसूरी घूमने के लिए आए थे। सुबह मॉर्निंग में एक सिमरन भारद्वाज करके 108 एम्बुलेंस लेके आई थी, एक्सीडेंट का केस था। उसके बाद उनके साथ एक साथी थे रोहित सचदेवा जी, वो उनकी तो डेथ हुई, ब्रॉट इन डेड कंडीशन में आए हैं। जो सिमरन जी हैं उनका इनिशियल प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है, सर्जन ने भी देख लिया और हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। और बाकी जो ये रोहित सचदेवा जी हैं इनका भी पोस्टमार्टम होगा उसके बाद। तो सर क्या मेजर इंजरी है रोहित सचदेवा की डेथ के कारण? हाँ, हेड इंजरी है, सिर की चोट की वजह से ही लग रहा है, बाकी तो पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स के बाद ही। और जो युवती है उसको रेफर कर रहे हैं? हाँ, रेफर कर रहे हैं, मल्टीपल इंजरीज थी इनकी। बागेश्वर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर लंबे समय से समस्याओं का समाधान नहीं होने से गुस्साए भारतीय मजदूर संघ के मजदूरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। दरअसल संघ के जिला इकाई ने बागेश्वर नगर की सड़कों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक जुलूस निकाला और श्रम विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। विरोध में जिलाधिकारी परिसर में धरना प्रदर्शन कर मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम को भेजा गया। संघ के जिलाधिकारी जीएस बोरा ने बागेश्वर श्रम कार्यालय पर अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम से जांच की मांग भी की है। श्रम विभाग में जो है बागेश्वर हमारे श्रमिक महिलाओं के साथ कई बार दुर्व्यवहार किया जा रहा है और श्रम विभाग में जो बोर्ड का काम करने वाले श्रम प्रदर्शन अधिकारी के सुपुत्र बैठे हैं एक, उन्होंने ऐसी अराजकता वहाँ फैला रखी है, जिसका हम आपको बहाने में नहीं कर सकते हैं। हर महिला को 15-15 दिन फोन करके वहाँ पर बुलाया जा रहा है और भी लाभ, नित्य उपरांत लाभ, युवाप्रांत लाभ, परसोपरांत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, टूल किट, सिलाई मशीन, सोलर लालटेन, छात्रवृत्ति, छतरियाँ, कंबल, कुछ भी यहाँ सब किसी मजदूर को इस टाइप का नहीं मिला है। पता नहीं कौन ले गया, उनको क्या ले गया, ये भी हमको पता नहीं है। हम ये मुख्यमंत्री धामी जी से काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि हमारे उत्तराखंड के ऐसे जो ये प्रशासन मजदूरों का शोषण कर रहा है इनसे वो हमको मुक्ति दिलाएंगे और हम लोगों का जो भी अधिकार है, जो हमारे देश हित लाभ है, वो जल्दी से जल्दी हमको दें। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।